बहुत सुना भाई मैं ओल्ड सिटी में टेस्ट नहीं है, एम्बियंस नहीं है, हाइजीन नहीं है, लजीज जायकेदार पॉट मंदी जिसके अंदर कोयले का धुआं जो है पूरा आसानी से बैठ गया। ऐसे मटन के पीसान जो गुलाबी एकदम नरम रेशम की डोर जैसे, पत्थर का गोश्त कहाँ जा रहा मुंह में, घुल रहा नहीं घुल रहा, लेकिन उसके जायके मेरे जबान पे जबरदस्त। लूज प्रॉन्स आए है, वो बटर के अंदर जो सौटे हो रहे हैं। तो आज अपन लोग आए याकूतपुरा में बाब अल अरब मंदी को, याकूतपुरा की सबसे बेस्ट हाइजीनिक टेस्टी और जबरदस्त एम्बियंस के लिए जो फैमिली रेस्टोरेंट है जो कि रॉयल कन्वेंशन के एकदम ऑपोजिट है। मैं खुर्शीद, वेलकम टू चैनल भुक्का नवाब। चलो अपन अपनी खींच शुरू करते। ओफो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, इतने जबरदस्त आइटमा है मेरे सामने। चाइनीज में भी है, तंदूर में भी है और अरेबियन जगह तो है ही छे। अपन, आप यकीन मानो, पूरे ओल्ड सिटी में याकूतपुरा में इससे बेहतर जगह नहीं है फैमिली को लेके आके इतना जायकेदार लजीज खाना खाने के लिए। इतना गारंटी से कई को बोल रहा हूं, बोले तो जब मैं इनके मसाले, इनके जो चखा हूं मैं आइटम्स, दिल में बस गए, दिमाग में बैठ गए, सुकून मेरा चैन छीन लिए। इसीलिए चलो भाई बिस्मिल्लाह करके अपन क्या करेंगे, इनका चाइनीज लाजवाब चीफ मार चटीफाड़ आइटम से शुरू करेंगे जो कि ये लूज प्रॉन्स है। और बेटा हरा बिस्मिल्लाह। क्या प्यारा टेस्ट आ रहा, बटर लिए, बटर के अंदर पूरा उन्होंने वो अदरक प्याज हरी मिर्ची पूरा वो मसाला जो चाइनीज का रहता उसको फ्राई करे, फ्राई करने के बाद वो जो एक प्रॉन का पकोड़ा बनाते ना, इतना प्यारा, इतना नरम, इतना जबरदस्त प्रॉन में इतने जगह खा लिया ना, पहली बार इतना प्यारा दिखा मेरे को। स्पेशली जो हाथ में मसाले फिरा रहे हैं हैदराबादी मसाले, वाओ, चीख मार चटी फाड़। इनफैक्ट इनका ये जो लाल सॉस है वो लाल सॉस में जरा डुबा के खाया हम, सॉस भी बहुत बेहतरीन, एकदम लाल लाल, थोड़ा मिठास है उसमें। कभी भी याद रखो लूज प्रॉन्स में ये मसाला रहता, कभी भी छोड़ देना नहीं, उस जरूरी रहता कि उसके साथ ऐसा लेना, फिर बिस्मिल्लाह बोल के कैसा भी मंगाना, ये मस्ट ट्राई आइटम है। नेक्स्ट, इधर का मटन पत्थर का गोश्त, हर जगह के खा लिए होंगे आप पत्थर का गोश्त, लेकिन इधर खाने के बाद उड़ जाता आपका होश, क्योंकि इतना मुलायम नरम, हाथ में सब पकड़ के खाली था छिया भाई उसको, मैं कावले बकरे के वैसा मुड़ गया, एकदम खुल गया। फिर खा के देखेंगे अपन बिस्मिल्लाह। क्या प्यारी चीज है यार, नरम इज नॉट द वर्ड, उससे भी ज्यादा अगर कोई चीज है डिक्शनरी में नहीं होगा, वो उतना ज्यादा गल गया हो, मुंह में उतरते कि घुल जा रहा हो। और मसाले भी इसके तरफ अच्छे खासे हैं अपने हैदराबादी जायके के, इजीली इसको टॉप 3 पत्थर के गोशों में डाल सकता हूँ मैं अपने हैदराबाद में। वाओ, ये दोनों आइटम ओवर तारीफ कर रहा हूँ ऐसा दिख रहा, लेकिन ओवर जबरदस्त दिखे मेरे को, मेरी जबान पे जायकेदार दिखे बोल के बोल रहा हूँ मैं आपको। लाजवाब है, लूज प्रॉन्स और पत्थर का गोश्त दोनों भी मंगा के खा लो। नेक्स्ट अपन इनका आलिशान चिकन कबाब बोल के है, बेहतरीन दिख रहा मेरे को, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या करे, एक अंडा, चीज, क्रीम और जो बेल पेपर्स रहते ने उसकी टॉपिंग डाले और उसको अच्छे तरीके से पका दिया। चीज ही दिख रहा, क्रीम ही दिख रहा, उसको ऐसा लूंगा, बिस्मिल्लाह बोलूंगा, और फिर क्योंकि ये जो चिकन कबाब है लेग बोनलेस का बने हुआ है, और लेग बोनलेस क्या रहता, चिकन में सबसे एकदम नरम और जूसीएस्ट पीस रहता, और उसका कबाब बनाया उन्होंने, तो सोच लो आप, ऊपर से वो चीज, वो क्रीम, वो जो पूरी टॉपिंग है ना, लाजवाब टेस्ट दे रही मेरे को, बहुत पसंदीदा चीज है, समझे, बहुत प्यारा। नेक्स्ट अपन ना क्या करेंगे, इनका ये चाइनीज आइटम है जिसका नाम ताली मान चिकन है। मैं पूछा, अरे ताली मान बोल रहे क्या, नहीं नहीं, ताली मान, जैसा तालिस्मान रहता उसका निकाल दिया, तो तालीमान, बहुत अच्छा दिख रहा। इसके ऊपर एक काजू का पाउडर भी डाले उन्होंने, जो कि बहुत कम जगह डालते हैं और चाइनीज में कम जगह डालते हैं, लेकिन जब डालते ना तो उसका फ्लेवर अलग आता। चलो बिस्मिल्लाह। एक नई चीज खाया वैसा दिख रहा मेरे को चाइनीज में, तक क्या है मालूम, अपन हर चीज जो चिकन 65 ले लो, मंचूरिया ले लो, पूरे चीजा खा लेते हुए, लेकिन ये कुछ अलग ही चीज है, खासतौर से उन्होंने वो बेल पेपर्स भी जो डाले और वो काजू पाउडर भी कुछ काम कर रहा भाई, स्पेशल सॉसेस यूज करे। दिस इज नॉट मीठा, दिस इज नॉट जो अपन खाते हुए आ रहे जैसा 65 एकदम फ्लेवर पंच रहता, उन दोनों का बैलेंस है खासतौर से इनका ये बेल पेपर्स के साथ। नेक्स्ट आइटम अपन लोग क्या है, 65 खाएंगे, चाइनीज में नया आइटम खाए तो अपना पहचान वाला जो आइटम है वो भी खा के देखेंगे। अब्बा, हरी मिर्ची, करियापक, दही, ये तीन चीजें जब दिख जाते समझ जाना आप 65 आ गया। हैदराबाद की जान, पूरों के दिलों में बैठती इसकी शान, ड्राई आइटम ही चाहिए, लेकिन इट लुक लाइक की कुछ एक सेमी ग्रेवी चिपकी हुई है उसके अंदर, बहुत फ्लेवर बॉम्ब रहती, अपन खा के देखेंगे कैसा है। बिस्मिल्लाह। वाओ, वो जो मसाला चिपक रहा ना हर आइटम को, और ये 65 के अतराफ भी दिख के आ रहा आपको कि भाई एक बार आपके जबान पे उतर जाएगा ना ये आइटम, तो उन्हें खाली धूम मचाएगा। नेक्स्ट अपन और एक कबाब खाएंगे जो कि ट्रेडिशनल कबाब है, इनका मलाई कबाब। मलाई कबाब क्या है मालूम, थोड़ा मीठा एंड पे आता, विच इज वेरी माइल्ड फ्लेवर्ड, किसी को चटपटा स्पाइसी खाना है तो उन्हें आलिशान चिकन खा ले सकते हैं, कोई और आइटम मंगा ले सकते हैं, लेकिन कभी तो भी मेरे को जायके में वो मिठास पसंद है तो मैं मलाई कबाब मंगाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर वो क्रीम गिरता, वो बटर गिरता और फिर एक चीज की ग्रेटिंग होती, आहा, सोच के मुंह में पानी आ गया ना कि आइटम मेरे सामने, आपके मुंह में जरूर आ रहा होगा क्योंकि आप स्क्रीन पे है।
दिमाग में सोच ले रहा था मैं शाहजहां बन के उनके हाथों की पप्पी चूमूं या हाथा काटूं, क्योंकि इतनी लाजवाब चीज है ये। वाह, आखिरी थिक, आखिरी क्रीमी, क्योंकि ऊपर से क्रीम डाले, बटर डाले एंड चीज डाले, बहुत पसंदीदा है। अलग इस लेवल के कबाब से भाई, वैसे कबाब से आपको क्या है मालूम, एकदम टॉप टीयर 7 स्टार रेस्टोरेंट में मिलते नहीं, वैसे टाइप के कबाब से। खासतौर से ये पत्थर का गोश्त, तो भाई अगर मैं जो खाया आप वही खा लिया ना, और वो खाते खाते अगर वेटर पूछ दिया भाई आपकी ये जायदाद के पेपर है साइन कर दो, बोले तो भी आप साइन करके उसके नाम कर देते, इतना लाजवाब। क्या बात है, चलो चाइनीज का आइटम, चाइनीज कबाब, चाइनीज कबाब। नेक्स्ट चाइनीज का आइटम इनका क्रिस्पी चिकन स्टिक है, आई गेस कॉर्न फिश जैसा कॉर्न का आइटम रहता है, वो क्रिस्पी फ्लेक्स और कॉर्न फ्लेक्स की जो मैरिनेशन है उसके अतराफ है। इसको क्या करेंगे, इन्होंने एक लाल चटनी बना के दी, वो लाल चटनी में मैं ऐसा डुबाऊंगा, बिस्मिल्लाह बोलूंगा और भाई टिपिकल फ्राइड आइटम है, चाइनीज आइटम है, इसको कॉर्नफ्लेक्स का एकदम वो क्रंच आ रहा, क्रम आ रहा, इतना क्रंची है कि यकीन मानो यहाँ पे मैं कुरुम करा तो वहाँ पे 4 मिनट तक आवाज़ आना। और खासतौर से ये तो अच्छा था, ज़बरदस्त आइटम, लेकिन जो वो चटनी बनाए ना उन्होंने, जो भी सॉस बनाए उसकी तारीफ करूंगा मैं, क्योंकि बहुत मेरे जायके को जो लगती ना वो चीज़ है वो। लास्ट आइटम एंड फाइनल आइटम इनका तंदूरी चिकन है। आजकल बोरिंग हो गया तंदूरी चिकन, ज्यादा लोग ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे, लेकिन एक साथ में इन्होंने कुछ की दही की चटनी बनाई विच इज लुकिंग वेरी गुड। इसको क्या करता हूँ मैं ऐसा डुबाता हूँ, डुबा के बिस्मिल्लाह बोलता हूँ और फिर एक टिपिकल तंदूरी चिकन कैसा रहता वैसे ही है, साथ में ये दही की भी जो भी चटनी बनाए उन्होंने सॉस बनाए वो भी बहुत अच्छा है, एक खटास दे रही, दोनों एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे, आप वो भी ट्राई कर सकते। लेकिन मेरे दिल का चैन, दिमाग का सुकून, जायदाद के पेपर जिसके ऊपर कर दूं मैं नाम, वो है ये पत्थर का गोश्त, ये लूज प्रॉन्स, ये तालिमान चिकन, ये मलाई कबाब, ये आलिशान चिकन, पूरे बोल दे रहा हूँ मैं, कई को बोल रहा हूँ पूरे, क्योंकि वाकई लाजवाब दिखे मेरे को, वाकई जायकेदार दिखे मेरे को, जूसी दिखे, टेक्स्चर, टेस्ट, फ्लेवर सब एकदम चीख मार चड्डी फाड़ था। ये हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देखिए। अरे जान, जब अपन लोग एक अरेबियन रेस्टोरेंट को आए जिसका नाम बाब अल अरब है, तो फिर वहाँ पे ऐसी मंदी की सीटिंग तो रहती, क्या लाजवाब एम्बियंस है, क्या लाजवाब सीटिंग है। आप देखो ओल्ड सिटी में, खास तौर से याकूतपुरा में, ऐसी हाइजीनिक, इतनी साफ सफायत के साथ फैमिली सीटिंग के लिए प्राइवेसी, और क्या शैंडलियरें लगे हुए हैं यार, देख के मजा आ गया। चलो भाई अपन क्या करेंगे, यहाँ की लाजवाब पॉट मंदी ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं बोलने से पहले चख लिया, चख के ऐसा दिखा मेरे को कि भाई हाँ सैटिस्फैक्शन, बोलते नहीं कि भाई अपन अपना काम पहचान ली, वैसा दिखा। पॉट मंदी कैसा आ रही वो देखो आप, पहले ये बड़ी पॉट में 5 लोगों के लिए चावल गिर रहा, ये चावल भी नॉर्मल नहीं है, ये बुखारी राइस जो रहता नहीं उसको जबरदस्त घी के अंदर कोयला डाल के दम दे देते, वो दम देने की वजह से चावल के अंदर पूरा वो जो स्मोकी वो कोयले का फ्लेवर है बैठ जाता, फिर मंदी है तो फिर वो राइस में वो सौंधापन रहता, वो चिकनाहट रहती, वो घी का पूरा फ्लेवर और टेक्सचर आता, लाजवाब बोले तो लाजवाब। इसको क्या करे, वो पॉट के अंदर पूरा राइस डाल दिए, फिर नरम मुलायम गुलाबी गोश्त वाले जिसके अंदर रवस और चर्बी आहा वो पीसों के मटाना डाल दिए 5 पीस, और फिर उसको ऊपर से फॉइल में बंद कर दिए। बंद कर दे के क्या करे, कुछ एक स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए वो पॉट के अतराफ पूरी आग लगा दिए। अरे वो आग देख के क्या मजा आया मालूम, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो प्रेजेंटेशन के पैसे पूछे तो आपके वसूल हो गए वैसा है। चलो अब क्या करेंगे, जायके में कैसा है वो खा के देखेंगे। ये साबित राइस लूंगा मैं, राइस लेके ये गोश्त को खींचूंगा, आहा क्या गोश्त है यार ये मटन का, खींचे तो जिस हिसाब से नरम, जिस हिसाब का मुलायम है, रेशम की डोर खींच रहा हूँ ऐसा दिख रहा है मेरे को, और साथ ही साथ क्या चर्बी है देखो, मुंह में पानी आ रहा है। ये लिए बिस्मिल्लाह भाई, आप वो सब छोड़ो, आप पहली चीज आके ये राइस टेस्ट करके देख लो, आप खुद ही बोलना कि भाई अब तक इतना प्यारा, इतना स्मोकीदार, इतना लजीज, इतना जायके के उसमें ऐसा तो मंदी राइस, बुखारी राइस सब कहीं नहीं खाए होंगे। मैं यमनी रेस्टोरेंट फिर लिया, अरेबियन रेस्टोरेंट फिर लिया, लेकिन कहाँ पे मिला मेरे को इतना लाजवाब टेस्ट, याकूतपुरा ओल्ड सिटी में बाब अल अरब मंदी। आप लोग सोच रहे होंगे अरे यार क्या है भाई, खुर्शीद खा ली जबरदस्ती के, जो मैं खाया अगर वैसा खा लिया तो फिर आप भी ऐसी पुकारा कर। और गोश्त की तारीफ तो देखो भाई, बाहर से दिख रहा क्लियरली एकदम रेशे ऐसा खींचे तो एकदम चर्बीदार लजीज, और अंदर से गुलाबी मुलायम रेशम की डोर के माफिक। चलो बिस्मिल्लाह, मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ये लजीज जायका खाना है। तो यही था अपना, अगर आपको भी चीख मार चट्टी फाड़ दिल भूले बार बार वाला ये पॉट मंदी बुखारी राइस खाने का है, जिसके अंदर वो गुलाबी गोश्त वाले रेशेदार दम फैट से भरे हुए मटन के पीसा होना, तो कहाँ पे आना, बाब अल अरब मंदी जो कि रॉयल कन्वेंशन के एकदम सामने है, याकूतपुरा में है, तो आ जाना है आपको याकूतपुरा बाब अल अरब मंदी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए
मैं खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, ऐश करता हूँ, आप लोगों का तो नहीं मालूम।